अमरनाथ के हवाले से क्या मैसेज रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्या अमरनाथ यात्रा छोड़नी चाहिए? मैं क्या बताऊं इसमें, तो वो तो यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की क्या सुनते हैं वो लोग, अगर वो सुनते होते तो 15 साल के बच्चों के खिलाफ वो यूपीए नहीं लगाते, तो यहाँ की बात थोड़ी सुनते हैं। वो जो करते हैं वो करते रहते हैं, उनको जो करना होता है वो करते हैं। एक तरफ से कोविड है, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल है, तो दूसरी तरफ से वो यात्रा करना चाहे तो उसको उनको कौन क्या कह सकते हैं, वो तो मालिक हैं, जो उनका फैसला करना होता है कर लेंगे। तो मैम बाबा जी, काफी सारे लोग अमरनाथ यात्रा से जुड़े हुए हैं जिनका कारोबार इससे चल रहा है, क्या लगता है कि उनको नुकसान हो जाएगा इसका? नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फैसला लेना है कि वो यात्रा छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे, मैं क्या कह सकती हूँ। तो डिलिमिटेशन के हवाले से मैम, चलिए मैं बाबा जी, राकेश पंडित के हवाले से बताया मैम, बहुत अफसोस हुआ जी, राकेश पंडित को जिन लोगों ने मारा हम उसको कंडेम करते हैं, और ऐसी चीजों से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे जम्मू कश्मीर जो है बदनाम हो जाते हैं हम लोग, और उसकी वजह से हमारी पूरी रियासत को नुकसान उठाना पड़ता है। थैंक यू।